आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया और आसान से केक की रेसिपी लेके आई हूँ। ना ही क्रीम है, ना ही चॉकलेट है, अंडा, अवन, दही कुछ भी नहीं है, कंडेंस मिल्क भी नहीं है, बिस्किट भी नहीं है, लेकिन हमारा केक बनेगा बहुत ज़्यादा टेस्टी, एकदम बेकरी जैसा। और ये रेसिपी मेरे लिए काफ़ी खास है क्योंकि ये केक मैं अपने बेटे के बर्थडे के लिए बना रही हूँ। चलिए देखते हैं। यहाँ मैंने आधा कप दूध लिया है, उबाल के नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे है, उसमें एक टीस्पून विनेगर डाल दिया है। इसको मिक्स कर देते हैं और इसको साइड में रख देंगे। अब मैंने यहाँ पे एक केक टिन लिया है, इसको सबसे पहले तो ग्रीस कर लेते हैं। आप अपनी पसंद के किसी भी शेप का केक टिन ले सकते हैं। इसको ऑयल से ग्रीस कर दिया। अब इसके ऊपर आप चाहें तो सूखा मैदा डाल सकते हैं, बटर पेपर लगा सकते हैं, या फिर मेरी तरह ये प्लेन पेपर मैंने लिया है, इसको केक टिन की शेप में ही कट कर दिया है, वो लगा दिया और उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर देते हैं इस तरह से। और साइड में भी मैं इसके ये पेपर कट करके लगा रही हूँ, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। और साइड से भी हल्का सा ऑयल लगा देते हैं और ये केक टिन रेडी है। अब मैंने यहाँ पे ये नेस्कैफे कॉफ़ी का जो सैशे आता है ना, 2 रुपये वाला, बस वही लिया है, तो एक सैशे ये डाला। और इसमें मैं गर्म पानी डाल रही हूँ 1.5 बड़े चम्मच। इसके बाद इसको मिक्स कर देंगे और इसका घोल बना लेंगे। ये रेडी हो गया है, इसको साइड में रख देते हैं ठंडा होने के लिए। अब एक बोल में मैं ऐड कर रही हूँ 1/3 कप रिफाइंड ऑयल। इसमें डाल देते हैं 1/2 कप शुगर पाउडर। मैंने 1/2 कप के बाद इसमें 2 टेबल स्पून शुगर पाउडर और ऐड किया है। इसके बाद इसको मिक्स कर देते हैं, बिल्कुल स्मूथली ये मिक्स हो जाना चाहिए। ये देखिए हो गया है। तो अब ये जो हमारा कॉफ़ी का घोल था ना, ये भी ठंडा हो गया है, तो इसको ऐड कर देते हैं। ध्यान रखिएगा कि ठंडा होने के बाद ही कॉफ़ी के मिश्रण को इसमें मिक्स करिएगा। ये डाल दिया और ये देखिए कितना बढ़िया ये लग रहा है। तो अब मैंने ली है एक छन्नी, इसमें डाल रही हूँ 1 कप मैदा, 1/4 कप कोको पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। अब इस सब चीज़ों को छान लेते हैं। ये हो गया है। और इधर हमारा जो ये दूध रखा था हमने, ये भी कर्डल हो गया है, तो इसको थोड़ा थोड़ा करके हम इस मिश्रण में डालते जाएंगे और इसके बाद इसको मिक्स करते जाएंगे। तो मैं यहाँ पे इसको इस तरह से कट एंड फोल्ड मेथड से मिक्स कर रही हूँ। इससे क्या होता है कि हम जो हमारा बैटर है उसको बहुत ज़्यादा मिक्स हमें नहीं करना है, तो उसकी ओवर मिक्सिंग हमको अवॉइड करनी है। ज़्यादा मिक्स कर देंगे ना तो हमारा जो केक है वो ज़्यादा फ्लफ़ी यानी सॉफ्ट नहीं बनेगा। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके दूध डालते जाएँ और इसको मिक्स करते जाएँ। और मिक्स करने का तरीका आप देख रहे हैं ना, बस ऐसे ही मिक्स करिएगा तो बहुत जल्दी आप नोटिस करेंगे कि ऐसा स्मूथ होने लगेगा। और पूरा 1/2 कप दूध मैं इसमें डाल चुकी हूँ, लेकिन अभी भी मुझे थोड़ा ये थिक लग रहा है, तो 2 बड़े चम्मच दूध इसमें और ऐड कर देते हैं। इसको फिर से मिक्स कर लेंगे। और पूरा प्रोसेस मैंने कट एंड फोल्ड मेथड से ही किया है, इससे आपका केक ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा। ये देखिए इसको मैं गिरा रही हूँ तो ये रिबन की तरह गिर रहा है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है, हमको बस ऐसा ही चाहिए। तो इसको डाल देते हैं अपने केक टिन में और इसको टैप ज़रूर करें। और यहाँ मैंने एक कढ़ाई ऑलरेडी गर्म होने रख दी थी, नमक वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया है, बस एक छोटी सी प्लेट रख दी है, उसके ऊपर रख देते हैं केक टिन और उसको कवर करके हम करीब 30 से 35 मिनट के लिए कुक करेंगे लो फ्लेम पे। तो मैंने इसको बीच में 25 मिनट में एक बार चेक किया था, अभी 1/2 घंटा हो गया है, इसको चेक कर लेते हैं। और हमारा केक बहुत ही बढ़िया तरीके से बेक हो चुका है, तो इसको ठंडा होने देंगे और हम आगे की तैयारी करते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है 1/3 कप कोको पाउडर, उसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर और ये है शुगर पाउडर, 1/2 कप इसको भी डाल देते हैं। अब इन सारी चीज़ों को पहले तो मिक्स कर लेंगे। ध्यान रहे कि मैंने अभी फ्लेम को ऑन नहीं किया है, पहले सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और यहाँ मैंने 1/2 कप दूध लिया है, उबाल के नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे है, तो बहुत थोड़ा सा दूध पहले इसमें डाल दिया और इसको पहले अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसके जितने भी गुलतियाँ होती हैं वो सब ख़त्म हो गई हैं, तो अब बाकी बचा हुआ दूध मैं इसमें ऐड कर देती हूँ और अब हम फ्लेम को ऑन कर लेते हैं। और इसके बाद इसको इस तरह से चलाते हुए हम कुक कर लेंगे। बहुत जल्दी हो जाता है ये। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 3 बड़े चम्मच बटर, तो मैं यहाँ पे होममेड बटर यूज़ कर रही हूँ, आप बाज़ार वाला भी यूज़ कर सकते हैं। इसको डाल दिया और बहुत जल्दी आप नोटिस करेंगे कि ये थिक हो जाएगा। देखिए कितना बढ़िया तरीके से इसमें थिकनेस आ चुकी है, कितना चॉकलेटी और बढ़िया से लग रहा है, तो बस हमको ऐसा ही चाहिए। इसमें बबल्स फॉर्म हो रहे हैं, तो फ्लेम को ऑफ कर देते हैं, इसको ठंडा होने देंगे।
और इधर जो हमारा केक है ये भी ठंडा हो चुका है, तो इसको भी निकाल लेते हैं। बहुत इजीली ये निकल जाएगा। और वाओ, कितना बढ़िया तरीके से हमारा केक बेक हुआ है, बिल्कुल परफेक्ट है। मैं आपको पास से दिखाती हूँ, ये देखिए बहुत अच्छा बना है। और आज मैं इसको बीच से कट करी हूँ, हम स्लाइस वाला केक बना रहे हैं, मतलब लेयर कर देंगे इसकी। तो पहले चाकू से थोड़ा सा इसमें ऐसी तरह से कट लगा लेते हैं, ध्यान से करिएगा। और उसके बाद कोई भी एक धागा लीजिए और उसमें इस तरह से इसको फंसा दीजिए, और धागे की हेल्प से ये पूरा केक हम दो हिस्सों में कट कर लेंगे। ये देखिए हो गया ना, कितनी आसानी से हो गया, बहुत ईजिली आप कर लेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है शुगर सिरप, नॉर्मली जो चीनी और पानी का घोल इसको कह सकते हैं आप, तो इसको इसमें पूरे में अच्छे से डाल देते हैं चम्मच की हेल्प से। इससे क्या होगा कि हमारा जो केक है ना वो बहुत ज़्यादा मॉइस्ट रहेगा अंदर से। तो ये काम आपको दोनों हिस्सों में करना है अच्छी तरीके से, पूरे पे हमें ये शुगर सिरप डालना है। ये देखिए, और अब इधर जो हमने ये गनाश बनाया था ना चॉकलेट और बटर वाला, मतलब चॉकलेट तो डाली नहीं थी, कोकोआ डाला था, वो अच्छा सा ठंडा हो गया है और कितना बढ़िया तरीके से थिक भी हो गया है। तो उसको इसमें डाल के हम अच्छे तरीके से स्प्रेड कर लेंगे, पूरे केक को इस तरह से कवर करेंगे, और अच्छी सी एक मोटी सी लेयर हमको इस पर लगानी है। तो जितने अच्छे तरीके से आप इसको लगाएंगे ना, इतना बढ़िया सा स्वाद आएगा खाने में। तो और दूसरा जो केक का हिस्सा है वो इसको इस तरह से इसके ऊपर रख देते हैं, और अपना बचा हुआ गनाश से हम अपने केक को ऊपर की तरफ से पूरा कोट कर लेंगे। तो इस तरह से मैं इसमें केक एक बार ये डालती जा रही हूँ और इसको कवर करती जा रही हूँ। साइड से भी पूरा हमें कवर करना है, कहीं से भी जो हमने कट लगाया था वो दिखना नहीं चाहिए। ये देखिए इस तरह से बहुत ईजिली हो जाएगा, और मैंने चारों तरफ इसको अच्छी तरीके से कोट कर लिया है, मोटी सी लेयर लगा ली है, और बहुत बढ़िया से केक लग रहा है। इसको रख देंगे अब 4 से 5 घंटे के लिए फ्रिज में, या फिर 2 घंटे के लिए आप फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। तो मैंने इसको 5 घंटे बाद फिर से निकाल लिया है, और अब मैं इसके ऊपर साइड में लगा रही हूँ ये चॉकलेट चिप्स। ये बहुत जल्दी और बहुत ईजिली इसमें ये चिपक जाते हैं, ज़्यादा मेहनत आपको नहीं करनी पड़ेगी, और देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, खाने में तो लगता ही है। तो इस तरह से चॉकलेट चिप्स लगा लिए हैं, और मेरे पास पड़े थे कुछ गोल्डन ये पर्ल्स, तो इस तरह से ये डाल देती हूँ। डेकोरेशन आप अपनी पसंद के हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं, जैसा भी आपको अच्छा लगे, या जो भी सामान आपके पास हो। मेरे पास यहाँ पड़े थे कुछ ये गोल्डन हार्ट्स, तो इनका भी इस्तेमाल कर लेते हैं और इनको भी इसमें लगा देते हैं। और ये देखिए हमारा बहुत ही बढ़िया वाला केक बिल्कुल बन के तैयार है, और आप इसको देख के कह नहीं सकते कि आपने इसको घर पे बनाया है, बिल्कुल बेकरी जैसा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे बेटे के बर्थडे का था, तो उसने ऑलरेडी कट कर लिया है, और मैंने दूसरा पीस कट करके आपको दिखाया है। ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा।